नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार एक सोच देख रहे हैं। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस पर राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना में झंडोत्तोलन किए। उनके साथ में उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद है। देखिए, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे व बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ झंडा तोलन करते हुए नजर आए। देखिए, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव झंडा तोलन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी का आखिरी झंडा तोलन लाल किला पर है, अगली बार उनका विदाई तय है। देखिए, सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है और आज स्वतंत्रता दिवस पर लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर बोलते हुए नजर आए कि नरेंद्र मोदी जी का आखिरी लाल किला पर झंडा फहराएंगे और इसके बाद उनका विदाई तय है। 2024 में लालू प्रसाद यादव भाजपा को पटखनी दे देंगे। देखिए, आज झंडा तोलन पर लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ झंडा फहराते हुए नजर आए और देखिए, लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं, राजद समर्थक हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर लालू प्रसाद यादव कब स्वस्थ होंगे। लंबे समय से लालू प्रसाद यादव अपने किडनी के समस्या को लेकर बीमारी से ग्रसित थे और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद अब धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव राजनीति में भी सक्रिय हो रहे हैं और स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव का सुधार होते जा रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर से आते थे, लेकिन अब अपने पैरों से लालू प्रसाद यादव ऑफिस में जाते हुए नजर आए और झंडा तोलन भी किए। देखिए, लालू प्रसाद यादव को लेकर लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और आज लालू प्रसाद यादव झंडा फहराते हुए जिस तरीके से एक्टिव में दिखे, कहीं ना कहीं अब समर्थक कह रहे हैं कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और राजनीति में भी पूरे सक्रिय हो रहे हैं और बिहार से और पूरे देश से भाजपा का सफाया इस बार तय है। सामने 2024 के लोकसभा का चुनाव है और आज बिहार में सियासी बयानबाजी अभी से ही शुरू है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और आज लालू प्रसाद यादव सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी का आखिरी लाल किला पर झंडा फहराएंगे, इसके बाद उनका विदाई तय है और केंद्र से और पूरे देश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन बाजी मारेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।